ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था लास्ट सेशन में कि आपका क्या बोलते हैं, क्या बेसिकली कितने टाइप्स के आपके स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो पहले देखा था हम लोगों ने एटॉम, एक था अमॉर्फस स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अमॉर्फस स्ट्रक्चर में क्या बात कर रहे थे कि अमॉर्फस स्ट्रक्चर में जो आपके पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या करते हैं, आपका इनका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये आपके रैंडमली एक दूसरे से अटैच होते हैं। जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है और जो आपके क्रिस्टलाइन होते हैं, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपके एक प्रॉपर अरेंजमेंट में एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है, ये आपके शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है और इनमें आपका लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है। शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जो आपका अरेंजमेंट है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक प्रॉपर नहीं होता है, चेंज होता रहता है। और इसमें लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि अगर ये फोर पार्टिकल जैसा अरेंजमेंट है, मान लो आपका ऐसा अरेंजमेंट एक प्रॉपर उसमें है कि फोर है आपस में इस तरीके से राइट लेफ्ट वो फोर कॉर्नर्स में रखे हुए, तो ये आपका अरेंजमेंट काफी दूर तक कैरी करता है। ठीक है, सो दैट इज द क्रिस्टलाइन एंड द एमॉर्फस स्ट्रक्चर। इसके आगे देखते हैं थोड़ी सी, अब बात करते हैं हम लोग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का। ठीक है, देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। मैंने बताया था कि जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स बेसिकली डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो आपका एक फ्री एलिमेंट होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, उसमें जितने नंबर ऑफ आपके एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। जैसे मान लो आपका कोई भी पर्टिकुलर दे दिया गया, जैसे मान लो आपकी बात करती है क्लोरीन की। ठीक है, ऐसा लिखा होता है क्लोरीन 17Cl35, या फिर हाइड्रोजन की बात करें 1s2, है ना। ऑक्सीजन की बात करें अगर हम लोग, क्या होता है इसमें 8O16। कार्बन की बात करें तो क्या होता है 6C12। ठीक है, इसके आपके आइसोटोप्स वगैरह भी होते हैं, समर्स वगैरह, तो वो तो एक अलग बात है। तो ये जो आपका बेसिक बेस में लिखा होता है इधर, ये पार्ट होता है आपका एटॉमिक नंबर का, ये होते हैं आपके एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर की बात करें अगर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन की, फ्री एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, फ्री एलिमेंट और नेचुरल स्टेट। ठीक है, नेचुरल स्टेट का मतलब है कि देयर इज नो एनी चार्ज इन एलिमेंट। चार्ज का मतलब ना तो आपका एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर कोई आपका जनरल एलिमेंट है एक्स, ना तो किसी टाइप का नेगेटिव चार्ज होगा और ना ही किसी टाइप का पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर आपका फ्लेयर जैसे लाइक क्लोरीन लिख दिया गया, तो क्लोरीन आपका ये नेचुरल स्टेट हो गया, और अगर लिख दिया Cl- तो इट इज नॉट एन नेचुरल स्टेट ऑफ फ्री एलिमेंट। ठीक है, इस पर क्या है आपका नेगेटिवली चार्ज है, जब नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो ये आपका बेसिकली फ्री एलिमेंट या फिर नेचुरल स्टेट बोलते हैं इसको। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो बताया मैंने कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कि जो पार्टिकल होगा हमारा, जो भी पार्टिकल है उसमें अब नंबर ऑफ एटॉम, जो एटॉमिक नंबर है आपकी, जो पीरियोडिक टेबल होती है, उस पीरियोडिक टेबल में आपके जो बेसिकली जो उनका स्पेस है, जो उनकी पोजीशन है, वो पोजीशन उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही डिफाइन की गई है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट आपके एलिमेंट्स की। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में इस तरीके से अरेंज होते हैं, या फिर पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉरी, आपस में इस तरीके से अरेंज, तो हमने बताया था इसका कॉन्सेप्ट होता था, वो सेल होती थी, ऑर्बिट्स होते थे, उनमें आपके ये स्टेट में सेचुएट होते थे। अब ये छोटे छोटे से पार्टिकल, एक पार्टिकल क्लोरीन का, एक पार्टिकल तमाम सारे मिल गए, और तमाम सारे मिल करके इसकी एक यूनिट सेल कंप्लीट करते हैं। तो एक यूनिट सेल जो होती है, वो यूनिट सेल किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा एलिमेंट होता है। ठीक है, जिसको लैटिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स होने होंगे एक में, जैसे देखो ज्यादातर आपके पार्टिकल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा कंसिडर किया गया कि आपके स्फेरिकल टाइप के होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे कंसिडर किया कि ये आपके स्फेरिकल शेप में होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, एक यूनिट सेल में मतलब एक क्यूब बनाएंगे, उस क्यूब में जितने नंबर ऑफ ये स्फेयर आएंगे वही उसका बेसिकली स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपका स्ट्रक्चर होता है, SCC होता है, BCC होता है,
एंड एफसीसी होता है, एक आपका एचसीसी भी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके स्ट्रक्चर हैं, ये क्या है इनको डिटेल में अभी हम लोग जानेंगे विद फिगर, ठीक है। सॉलिड स्टेट एक चैप्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके होता है। एसएससी का मतलब होता है सिंपल सेंटर क्यूबिक, एंड बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है। होता है हेक्सागनल, ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या बलजी, ज्यादा ब्रेक हो रही क्या भाई? अच्छा, वो नेट की वजह से हो सकता है प्रॉब्लम हो, कोई नहीं। सो हाँ, ये आपके बेसिकली, हाँ अच्छा ठीक है, अभी अगर ऐसा हो ना तो टोक देना फिर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या मतलब है एससीसी का, क्या मतलब है बीसीसी का, क्या मतलब है एफसीसी, एंड क्या मतलब है एससीसी का, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे विद डायग्राम, ठीक है। उसके पहले कुछ चीजें देख लेते हैं लाइक इसमें चीज देखते हैं, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंटेन्ड विद इन द न्यूक्लियाई, बता चुका हूं मैं। द मास ऑफ ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। आपको पता है कि जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है उनका जो मास होता है वो कितना होता है, प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, किलोग्राम नहीं ग्राम। बट मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज ओनली 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम, इसका मास और कम होता है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम होता है, 9.1 × 10⁻²⁷ ग्राम, ठीक है, 28 ग्राम होता है, ठीक है। इसके बाद द एटॉमिक मास m विच इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसका नीचे होगा लाइन, एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम इज ऑल्सो मास इन ग्राम्स ऑफ द एवोग्राडो नंबर, ठीक है। एक यहाँ पर एक वर्ड नया यूज हुआ है एवोग्राडो नंबर, ठीक है। एवोग्राडो नंबर क्या होता है, ये होता है Na, इसको एन ए से बेसिकली स्मॉल ए नहीं कैपिटल ए से ही डिनोट करते हैं, एन ए, ठीक है। एन ए आपका होता है एवोग्राडो नंबर, इसको फुल फॉर्म होती है इसकी एवोग्राडो नंबर, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, अगर हम कोई गैस लेते हैं, ठीक है, इस गैस का 1 मोल लिया मान लो, ठीक है। सो इस गैस के 1 मोल में NTP पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर आपका होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर आपका होता है 1 atm, ये होता है टेम्परेचर, होता सॉरी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी गैस हो उसका 1 मोल अगर लिया है तो 1 मोल में जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं 6.023 × 10⁻²³ एटम्स पर मोल, एटम्स पर मोल। कंडीशन क्या है, वो गैस किस पे होनी चाहिए, एनटीपी पर होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके एवोग्राडो नंबर की वैल्यू होती है, सिंपल सा। देखो जैसे हमारी जो गैस है, गैस को हम 2-3 यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, गैस को हम लोग वेट में भी मेजर कर सकते हैं, 1 किलो गैस है 2 किलो गैस है, या फिर हम लोग वॉल्यूम में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी यूनिट जो होती है इसकी होती है मोल, ठीक है। ये मोल क्या होती है, मोल यूनिट जो होती है, अबे साले हम पढ़ा रहे हैं तो धीरे बोल रहे हैं, तुम लोग बात कर रहे हो तो तेज बोलो, उल्टा कर रहे हो, धीरे बोलो भाई थोड़ा सा, आप मीटिंग टाइम पे करेंगे बीसी तो समझ आएगा, मत करो यार, कर लेने दो, कर लेने तो, रिकॉर्डिंग हो रही है इस वजह से, रिकॉर्डिंग हो रही है इस वजह से भसाड़ हो रही, नहीं तो अभी हम खुद ही बिजी करते, मत करो शांत, धीरे बोलो थोड़ा सा।
ठीक है, तो आपका जो बेसिकली क्वांटिटी होता है गैस का वो मेजर कर सकते हैं हम लोग वेट में भी, वॉल्यूम में भी। तीसरी यूनिट होती है आपकी मोल। ये मोल कैसे निकालते हैं किसी भी गैस के, मान लो आपके पास नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, इस नाइट्रोजन गैस के आपके पास 10 ग्राम्स है, आपके पास मान लो 10 ग्राम्स नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन होता है 7N14, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 14, और मॉलिक्यूल कितने हैं, दो, तो कितना हो जाएगा 28 मॉलिक्यूलर वेट है बेसिकली ये। तो अगर आपको निकालने हो नंबर ऑफ मोल इन 10 ग्राम्स नाइट्रोजन, ये कितना हो जाएगा, ये होता है, फॉर्मूला होता है इसका, वेट ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है उसका वेट ग्राम्स में, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन का जो सब्सटेंस है वो हमारा, उसका वेट कितना है, उसका वेट दे रखा है 10 ग्राम्स, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 28। इसको जब आप सॉल्व करोगे 5/14, ये अप्रोक्सीमेटली फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में जो वैल्यू आती है आपकी, ये वैल्यू ही आपकी नंबर ऑफ मोल्स होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एवोगाड्रो नंबर क्या हुआ कि किसी भी कोई भी गैस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उस गैस का अगर 1 मोल है, 1 मोल में NTP पे उसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके कितने होंगे, 6.023 × 10^23, 1 मोल में एटम्स होते हैं NTP पर किसी भी गैस के, ठीक है। दैट इज, इट इज नोन एज द एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसके बाद ये बेसिकली मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी, मे भी पूछ भी सकता 2 2 मार्क्स में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होता है, फॉर इसमें क्या होता है, पहला होता है क्वांटम नंबर। 4 टाइप्स के आपके नंबर होते हैं जो आपके इसके स्ट्रक्चर को, सेल को, और इसकी बेसिकली जो पोजिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की मटीरियल्स में, जिसको ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसमें एक होता है क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर क्या होता है, द एनर्जी लेवल टू विच ईच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स इज डिटरमाइंड बाय द 4 क्वांटम नंबर। हमने आपको बताया था जो आपकी सेल होती है, उस सेल में जो आपकी सेल होती है, जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में तो आपके न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहते हैं, उसके बाद होती है सेल्स। तो इन सेल्स में भरे होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता है आपको, 2, 8, 18, 32, ऐसे होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, मान लो ए ए पी क्यू के एल एम एन बेसिकली होता है, के एल एम एन, ठीक है, इनका मतलब क्या है, के एल एम एन आपकी सेल है। तो जो एन सेल में आपका इलेक्ट्रॉन होगा, और जो एम सेल में आपका इलेक्ट्रॉन होगा, जो एल सेल में आपका इलेक्ट्रॉन होगा, जो के सेल में आपका इलेक्ट्रॉन होगा, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो आपस में डिफरेंट डिफरेंट होती है। एनर्जी का लेवल जो है, कैसे, किनकी ज्यादा होती है, किनकी कम होती है, ये ऑफ बाउ का एक रूल होता है। उस ऑफ बाउ के रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बेसिकली जस्टिफाई करते हैं कि किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, किस सेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बाकी सेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम होगी या फिर आपकी ज्यादा होगी। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करते, बट आप ये समझ लो कि जो सेल होती है डिफरेंट डिफरेंट के एल एम एन, इन सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी एनर्जी जो होती है वो बाकी अदर सेल की एनर्जी से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वही ये बात कर रहे हैं कि द एनर्जी लेवल ऑफ विच टू विच ईच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स इज डिटरमाइंड द 4 क्वांटम नंबर, और ये डिफाइन किससे करते हो आप, 4 क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर आर द नंबर्स इन एटम्स दैट असाइन इलेक्ट्रॉन टू डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, ओके। द 4 क्वांटम नंबर्स आर द प्रिंसिपल, 4 क्वांटम नंबर होती हैं आपकी, पहली होती है आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर हम क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं। क्वांटम नंबर्स 4 होती है, फर्स्ट होती है आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड होती है आपकी एजीम्यूथल, थर्ड होती है आपकी, फोर्थ तो आती है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर, एक होती है फोर्थ, ये है आपकी एजीम्यूथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये होती है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये 4 क्वांटम नंबर जो होती हैं, प्रिंसिपल क्वांट प्रिंसिपल एजीम्यूथल मैग्नेटिक एंड स्पिन, थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये बेसिकली बताती सेल को, ठीक
ठीक, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ये बताती सेल को, सेल का मतलब किस सेल में आपका इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है इलेक्ट्रॉन, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ये डिफाइन करती है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। दूसरा आपका एजीम्यूथल, एजीम्यूथल आपको बताता है कि किस ऑर्बिट में है, एस में है, पी में है, डी में है कि एफ में, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका बताती है कि ये किस ऑर्बिट के किस सेल में, बेसिकली पोजीशन को डिफाइन करता है, थ्री में है कि एक्स में है कि वाई में है कि जेड में है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक होता है। और लास्ट होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे हमने लास्ट में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और या तो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है अपनी सेल में, तो ये स्पिन डिफाइन करता है, ठीक है, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये स्पिन डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके चार क्वांटम नंबर। ये सब मतलब का नहीं है, ये सब प्रॉपर्टीज आपके मतलब की नहीं है, इनको करने का कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है, टू मार्क्स में पूछ सकता है बेसिकली, होती क्या, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, देखो हमें पता है कि जो आपके सबसे छोटी यूनिट हो गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन्होंने मिलकर के बनाया आपका एटम, इन्होंने मिलकर के क्या बनाया आपका एटम, ठीक है, एटम ने मिलकर के बनाया आपका एक एटम ने मिलकर के बनाया आपका एलिमेंट, एलिमेंट ने मिलकर के बनाया आपका कंपाउंड, कंपाउंड ने मिलकर के बनाया आपका सब्सटेंस, ठीक है। तो ये एक चेन होती है बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, वो उन्होंने मिलकर के एटम बनाया, एटम ने मिलकर के एलिमेंट बनाया, एलिमेंट का तमाम सारे एलिमेंट जब मिल जाएंगे तो हो जाएगा कंपाउंड, और बहुत सारे कंपाउंड या फिर सिंगल कंपाउंड आपका क्या बनाता है, सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। सो हम डिस्कस करने वाले थे, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, आपको पता है, जैसे मान लो आपका दिया हुआ है HCl, HCl का मतलब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं कुछ, ठीक है, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट हो गए, आयनिक हो गए, और भी डिफरेंट डिफरेंट आपके बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इन बॉन्ड्स में कोवेलेंट को आपको सिंगल, डबल एंड ट्रिपल में हम लोग जस्टिफाई करते हैं, तो ये सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड जो बनते हैं क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से बनते हैं, तीन तरीके से बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन पार्शियल एक्सचेंज होगा, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब दोनों ने आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज किया, ठीक है। शेयरिंग का क्या मतलब, एक्सचेंज और शेयरिंग में डिफरेंस, शेयरिंग का मतलब यह हुआ कि इसने कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दिए, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिए। और तीसरा होता है पूरी तरीके से दे देना, तो इलेक्ट्रॉन पार्शियल एक्सचेंज को ना बोल करके, पार्शियल एक्सचेंज तो बेसिकली शेयरिंग में होता है, इसको आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से एक एटम से दूसरे एटम में चला गया, एक तो एक्सचेंज हो गया, एक नहीं सॉरी एक्सचेंज में आपका पूरी तरीके से चला गया, दूसरा आया शेयरिंग, शेयरिंग में आपका क्या हुआ, बेसिकली आपस में एक दूसरे से शेयरिंग करी, और तीसरा होता है आपका पार्शियल शेयरिंग, सही था। पार्शियल शेयरिंग में क्या होता है कि एक जो होगा एलिमेंट, मान लो ए एलिमेंट है, ये एलिमेंट पूरी तरीके से बी एलिमेंट को आपको इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, जब जरूरत पड़ेगी तो ए उससे ले लेगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन आपकी एक्सचेंज की प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है। मान लो आपका एक ए एलिमेंट है, एक आपका बी एलिमेंट है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए थे, ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे या इसको शेयर करेंगे, ये डिपेंड करता है इनकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पे, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा या कौन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा, ये डिपेंड करता है इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सीधा सा मतलब है अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्ड या दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की कैपेसिटी, एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी, या उस पर होल्ड, या तो अपने इलेक्ट्रॉन पर होल्ड
या फिर जब दूसरे के दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनने की या एक्सचेंज करने की जो कैपेसिटी होती है, दैट कैपेसिटी या दैट पावर इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में डिस्कस करने का मतलब नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। आपके 18 ग्रुप होते हैं, है? इन 18 ग्रुप में आपके क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके भरे हुए होते हैं। इसको आप ऊपर जो परपेंडिकुलर कॉलम होते हैं इनको बोलते हैं आप ग्रुप, और इनको बोलते हैं आप पीरियड। ठीक है, हाँ। अब इसमें आपके जो एलिमेंट हैं वो उनको आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के अकॉर्डिंग देखो इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, कि आपके कुछ आपके ये ग्रे कलर में हैं ऊपर वाले, ये ऑरेंज कलर में हैं, ये आपके पिंक कलर के हैं, नीचे भी आपके पिंक कलर के ही हैं। ठीक है, तो इनको कलर वाइज बेसिकली एक दूसरे से बेसिकली डिफ्रेंशिएट किया गया है, इनको पोजिशन वाइज और रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एटॉमिक बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, जो हम बॉन्डिंग की बात कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ आपके होते हैं मेटेलिक बॉन्ड, दूसरा होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड वन इज द आयनिक बॉन्ड, एंड फोर्थ वन इज द वंडरवॉल बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स की हेल्प से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ठीक है, मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं दीज आर कॉल्ड एज अ मेटेलिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आपके होते हैं जो आपकी शेयरिंग से बनते हैं। आयनिक बॉन्ड आपके होते हैं जो पूरी तरीके से एक एटम जो होगा वो पूरा क्या कर लेगा, अपने ऊपर ले लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन दे देगा। उसके बाद वंडरवॉल्स बॉन्ड होता है। वंडरवॉल्स बेसिकली क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स का शेयर नहीं करते हैं, एक डिफरेंट टाइप का आपका फोर्स होता है जो एक दूसरे के बीच में लगता है, मतलब एक दूसरे के पार्टिकल्स के बीच में लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इन सबको। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बताया मैंने, कोवेलेंट बॉन्ड आपके सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके शेयरिंग से बनते हैं। द मटेरियल विद कोवेलेंट बॉन्ड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द बॉन्ड दैट आर फॉर्मड बाय द शेयरिंग। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड आपके क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये शेयरिंग क्या होती है, दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में हो सकती है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बताया मैंने। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन मटेरियल, वन एटम में डोनेट इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन और टू डिफरेंट एटम। ठीक है, डोनेट का मतलब पूरी तरीके से अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या पूरी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा। और जब पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, मान लो आपका ए है, इस ए से एक इलेक्ट्रॉन अगर पूरी तरीके से चला गया बाहर तो आपका ए पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर ए पर एक पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन आ गया तो आपका ए पर कैसा चार्ज होता है, तो आपका ए पर आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाँ, और इसको बोलते हैं आपको, इसको बोलते हैं कैटायन, और ये होता है आपका एनायन। नेक्स्ट है आपका एनर्जी वगैरह के बारे में डिस्कशन नहीं बनता है आपके में, बाइंडिंग एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी वही बॉन्ड्स को बेसिकली बाइंड करने में जो एनर्जी यूटिलाइज होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी।